मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। 1984 में रकाबगंज गुरुद्वारा मामले में चश्मदीद गवाह संजय सूरी ने एसआईटी को पत्र लिखकर अपनी गवाही दर्ज कराने की बात कही है। संजय सूरी इसके पहले नानावती कमीशन के सामने भी अपना बयान दर्ज करा चुके हैं। गृह मंत्रालय ने एसआईटी की फाइल्स फिर से खोलने का आदेश कुछ दिन पहले ही दिया था। कमलनाथ के भांजे रतुलपुरी ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील के मामले में फिलहाल हिरासत में हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता पी चिदम्बरम तिहाड़ जेल में कैद हैं। पी चिदम्बरम के बाद कमलनाथ का फंसना कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है। संजय सूरी के पत्र लिखने का अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल ने स्वागत किया। दिल्ली में अकाली दल के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि देर भले ही लगे लेकिन अब न्याय होकर रहेगा। संजय सूरी के सामने आने के बाद पंजाब की सियासत भी गर्मा गई। अकाली दल के नेता पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस बात की मांग करने लगे हैं कि वे पार्टी से कमलनाथ को सीएम पद से बर्खास्त करने की मांग करें। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार इसी मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।